हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे आप सर? तो एनवायरमेंट सीरीज में आज का जो हमारा चैप्टर है, वीडियो है, वो थर्ड वीडियो है। और आज की वीडियो बहुत शॉर्ट बनेगी, लेकिन इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से जो टर्म्स है वो यूज करने वाले। तो सबसे पहली जो टर्म है वो हम देखेंगे कि की स्टोन स्पीशीज क्या होती है। की स्टोन स्पीशीज, उसके बाद दूसरी स्पीशीज का नाम है फाउंडेशन स्पीशीज। फाउंडेशन स्पीशीज या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्पीशीज को, प्रजाति। फाउंडेशन स्पीशीज या प्रजाति। नेक्स्ट है आपकी अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज या अम्ब्रेला प्रजाति। और लास्ट है इंडिकेटर स्पीशीज। तो ये चार इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है आज हमें डिस्कस करने हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तो इसके अलावा एक और चीज लिख लेते हैं, इकोटोन। ये आपका थोड़ा सा स्पीशीज से अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इकोटोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपकी कीस्टोन स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज? कीस्टोन स्पीशीज। तो कीस्टोन स्पीशीज जो या जो प्रजाति है वो क्या होती है? तो जैसा कि इसका नाम है कीस्टोन, की मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक ताले की एक चाबी होती है, की होती है। चाहे ताला कितना बड़ा हो, उसकी छोटी सी चाबी होती है। और ताले का कोई मतलब नहीं है जब तक आपके पास उसकी जो है चाबी नहीं है, उसकी जो की है आपके पास नहीं है। तो अगर आपकी की खो जाए या टूट जाए, किसी भी तरह कुछ भी हो जाए, आपके पास की नहीं है, तो ताला आपका किसी काम का नहीं है। तो जितनी इम्पोर्टेंस उस ताले के लिए चाबी की है, उसी तरह किसी भी स्पीशीज में, अगर हम किसी भी कम्युनिटी में देखें, किसी भी समुदाय में देखें, किसी भी इकोसिस्टम में देखें, तो सब स्पीशीज में से, सब प्रजातियों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रजाति है वो कहलाती है कीस्टोन स्पीशीज। ये अभी हमने थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन किया। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है। तो कीस्टोन स्पीशीज, चाहे आपकी जो इनकी पॉपुलेशन है वो कम हो, इनकी प्रचुरता या इनका जो जैव भार है किसी भी कम्युनिटी में कम होता है, लेकिन इसका, कीस्टोन स्पीशीज का, किसी भी कम्युनिटी या समुदाय में के जितने भी जीव जंतु हैं, आपके लिविंग बींग्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो होता है। तो कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज है जिनकी चाहे पॉपुलेशन किसी भी समुदाय में, इकोसिस्टम में कम है, चाहे उनकी प्रचुरता जैव भार कम है, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस अन्य जो आपके उनके आसपास जितने भी जीव जंतु होंगे, जितनी भी प्रजातियां होंगी, उनके अस्तित्व पर, उनकी लाइफ पर उनका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा होता है। और इसलिए इन्हें हम कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। और कीस्टोन स्पीशीज अपने आसपास के जो अन्य स्पीशीज है, अन्य प्रजातियां हैं, उनकी जनसंख्या को कंट्रोल करने में भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है सिद्ध होती है। अब ये कैसे इम्पोर्टेंट है अन्य प्रजातियों के लिए भी, कैसे उनकी पॉपुलेशन पर भी इफेक्ट डालती है, ये अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कीस्टोन स्पीशीज का। तो किसी भी आपका ग्रासलैंड में, घास स्थल में आपकी जो है, ये आपकी जो है हरी घास उगी हुई है, हरे रंग की बना लेते हैं, ये होगी आपकी हरी घास। और हरी घास को चढ़ने वाले जो है आपके जीव जंतु होते हैं, आपके जो है जैसे बकरी हो गई, खरगोश हो गए, वो जो है आपके इस पर डिपेंड करते हैं, वो आपकी हरी घास को खाते हैं। तो ये आपका जो हरी घास को खाते हैं, आप मान लीजिए, और लेकिन बकरी और खरगोश को भी ऊपर खाने वाला कौन बैठा है? आपका जो है लॉयन जो है बैठा है। लेकिन मान लीजिए हमारी जो चेन है, फूड चेन है, सिर्फ यहां तक सीमित है, यानी कि अगर लॉयन जो है आपकी फूड चेन में नहीं है, किसी भी जंगल में अगर आपके बकरी है या खरगोश है, मान लीजिए अगर सिर्फ बकरी ही है किसी भी जंगल में जो कि आपके घास को खा रही है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा अगर लॉयन वहां पर नहीं है? तो बकरी क्या
क्या है, इनकी जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर, इनको खत्म करने वाला, इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला इनके ऊपर कोई नहीं है। तो इनकी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन जो है वो वहां पर फॉरेस्ट में बढ़ती जाएगी, और एक टाइम के बाद जो ये हरी घास थी ये भी आपकी खत्म हो जाएगी। और जब हरी घास ही खत्म हो गई तो ये खाने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा, और ऑटोमेटिकली आपका पूरा एक इकोसिस्टम जो है खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो लेकिन अगर इसी इकोसिस्टम में यहाँ पर, अगर यहाँ पर घास को खाने वाली बकरी है और बकरी को खाने वाला अगर वहां पर लॉयन भी होता तो क्या होता, लॉयन वहां पर क्या काम करता, उस बकरी की जो पॉपुलेशन है वो जो है वहां पर जो जितने भी जीव जंतु जहाँ वो वहां पर मौजूद है उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में ये मेन भूमिका जो है आपका लॉयन निभाता। तो यहाँ पर लॉयन क्या हो जाता है, किसी भी इकोसिस्टम को बचाने में यह लॉयन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि लॉयन जो क्या कर रहा है कि वो बकरी की यहाँ पर जो आपके घास पर फीड कर रही थी उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में जो है इम्पोर्टेंट सिद्ध हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये बकरी जो है आपकी, इसकी जो अस्तित्व को बचाने में भी ये आपके सहायक है, क्योंकि अगर इनकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई जिससे कि इनके घास की जो घास जो उग रहा था वो इन्होंने सारा खा लिया उसके बाद खत्म हो गया, तो एक टाइम के बाद इनका भी जो सर्वाइवल है वो नहीं होगा। तो एक इनकी जो लाइफ है उनको भी बचाने में, कहीं ना कहीं इनके अस्तित्व को बचाने में भी लॉयन का हाथ है। तो लॉयन यहाँ पर क्या है, लॉयन है आपका कीस्टोन स्पीशीज। तो कीस्टोन स्पीशीज की जो सारी बातें मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस की वो सारी बातें आपके इस पर लागू होती है। क्या कि जो कीस्टोन स्पीशीज है, चाहे इनकी जनसंख्या कम होती है, चाहे इनकी प्रचुरता जैव भार कम हो किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी इकोसिस्टम में, लेकिन ये अपने आसपास की जो प्रजाति है उनकी, उनके लाइफ में, उनके जो अपना जो जीवन यापन कर रही है उसमें उनका मेन इन्फ्लुएंस जो है कीस्टोन स्पीशीज का होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है। और जरूरी नहीं है कि कीस्टोन स्पीशीज सिर्फ जो बड़ी प्रजातियां हैं, बड़ी स्पीशीज है वही होती है, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी जो है आपके कीस्टोन स्पीशीज हो सकते हैं, जैसे कि आपकी मधुमक्खी बीज। जो मधुमक्खी कीस्टोन स्पीशीज कैसे हो गई अब आप कहेंगे, मधुमक्खी जो है मेन काम करती है पोलिनेशन में, परागण में। अगर मधुमक्खी जो है अगर पोलिनेशन नहीं करेंगी, परागण नहीं करेंगी, तो जो है आपका पौधे से जो आपका फ्रूट बनता है वो नहीं बन पाएगा, फ्रूट से आगे बीज बनेगा, बीज से आपका नया पौधा बनेगा। तो ये साइकिल जो है रुक जाएगी अगर मधुमक्खी आपका यहाँ पर पोलिनेशन या परागण नहीं करती है। तो यहाँ पर मधुमक्खी या बी भी क्या हो गई, आपकी एक क्या होगी, कीस्टोन स्पीशीज होगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कीस्टोन स्पीशीज क्या है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है फाउंडेशन स्पीशीज, फाउंडेशन स्पीशीज। तो अब हम देखते हैं फाउंडेशन स्पीशीज क्या है। एक दो चीज आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं। कीस्टोन स्पीशीज की सबसे पहले जो अवधारणा है रॉबर्ट पेन के द्वारा दी गई 1969 में, रॉबर्ट पेन के द्वारा 1969 में उन्होंने कीस्टोन स्पीशीज की अवधारणा दी। नेक्स्ट है फाउंडेशन स्पीशीज। फाउंडेशन स्पीशीज नाम से पता लग रहा है कि ये जो प्रजाति है ये किसी चीज का आधार बना रही है, तो बिल्कुल सही है। ये जो प्रजाति है बाकी स्पीशीज के लिए, बाकी प्रजातियों के लिए जो है उनके रहने के लिए उनको प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपने कोरल रीफ के बारे में सुना है, कोरल्स के बारे में सुना है, तो कोरल जो है छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो समुद्री, आपके समुद्री क्षेत्र में रहते हैं, तो ये क्या करते हैं एक कोरल जो है रीफ बना लेते, छोटे छोटे कोरल मिलकर जो है एक पूरा रहने लायक जो है आवास बना लेते हैं कोरल रीफ, जिस पर बाकी जो है छोटे मोटे जो कीट पतंगे हैं, बाकी जो जीव है वो रहते हैं। तो एक कोरल ने, पूरा कोरल जो रीफ बनाकर इन कोरल्स ने क्या किया, इस पर ऐसा आवास बना दिया जिस पर कि बाकी जो जीव जंतु है वो यहाँ पर रह सके। तो उनके आवास का निर्माण किया, हैबिटेट का यहाँ पर इन्होंने निर्माण किया, और उनकी प्रोटेक्शन भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप फाउंडेशन स्पीशीज का ले सकते हैं। अगर आप एक ट्री का ले ले, पेड़ का उदाहरण ले, तो एक पेड़ भी जो है फाउंडेशन स्पीशीज का काम करता है। कैसे, एक पेड़ पर जो है आपके कई जो है फल फ्रूट लगते हैं, आम लगेंगे, तो क्या होगा कि आम पर जो है आपके पक्षी रहेंगे तो उस पर जो है वो फीड करेंगे, वहां से उनको खाने को भी मिल रहा है, और उसी पेड़ पर क्या है वो अपना
नेस्ट यानी कि जो घोंसला है वो भी बना लेते हैं। तो एक पूरा जो आवास है पक्षियों को आपका पेड़ दे रहा है, रहने लायक जगह दे रहा है, उनको खाने लायक जो है चीजें दे रहा है, और इसके अलावा उनको धूल मिट्टी या बारिश से भी आपका जो पेड़ है वो बचाता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका क्या हो गया एग्जाम्पल, ये हो गए फाउंडेशन स्पीशीज के उदाहरण जो किसी अन्य प्रजातियों की संरक्षण में हेल्प करता है, उनके निर्माण में जो है हेल्प करता है, उनके हैबिटेट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज को कई बार कंफ्यूज कर जाता है हम कीस्टोन स्पीशीज से, क्योंकि बहुत इक्वल है इनका जो डेफिनेशन है, बहुत हद तक दोनों स्पीशीज की डेफिनेशन जो है वो सेम है। अम्ब्रेला स्पीशीज भी अपने जो किसी भी समुदाय या इकोसिस्टम में इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और इनके रहने के लिए इनको बहुत बड़े आवास और खुली जगह की इन्हें जरूरत होती है। अम्ब्रेला स्पीशीज कीस्टोन स्पीशीज से इस तरह मिलते जुलते हैं क्योंकि ये इनके अम्ब्रेला स्पीशीज भी बाकी अन्य प्रजातियों की जो सुरक्षा में हेल्प करती है, उनके उनकी लाइफ पर भी इनका काफी जो है अफेक्ट जो है प्रभाव होता है। लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि अम्ब्रेला स्पीशीज जो है, जब हम अम्ब्रेला स्पीशीज में जो भी प्रजाति आती है, जो भी स्पीशीज आएगी, अगर हम उसको बचाएं, उसकी लाइफ को बचाएंगे, तो उसकी लाइफ को बचाने के साथ साथ हम कई लाइफ को बचा सकते हैं हमारे द्वारा, इनके द्वारा नहीं, हमारे द्वारा। हमारे द्वारा कैसे कि राजस्थान में आपका जो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो टाइगर को बचाने के लिए जो है, बाघ को बचाने के लिए राजस्थान में एक अभियान चल रहा है। तो अगर वो जो है राजस्थान में जो अभियान चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को अगर हम बचाएंगे तो इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, टाइगर को बचाने के लिए हमें जरूरी है कि टाइगर को हम अच्छे से रहना पीना दे, खाना पीना दे, और उसके खाने पीने का जो है विशेष ध्यान रखे, यानी कि जिस पर वो फीड कर रहा है, क्या खाता है आपका जो टाइगर, जैसे कि छोटे मोटे आपके जीव जंतु है, आपके खरगोश हो गए, हिरण हो गई, गोट हो गई, तो इन सब पर जो है ये आपका जो टाइगर है इसको खाने के लिए चाहिए। अगर ये सब नहीं होंगे तो टाइगर जो है आपका जी नहीं पाएगा। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अगर हमें टाइगर बचाने हैं तो ऑटोमेटिकली हमें उन सभी एनिमल्स को भी बचाना पड़ेगा जिस पर आप जो टाइगर खाता है। तो इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमारे जो बाकी जीव जंतु हैं उनकी भी सुरक्षा हो जाती है, उनकी जो लाइफ है वो भी बच जाती है। तो इस तरह एक टाइगर जो बन गया, ये आपका टाइगर क्या है, अम्ब्रेला स्पीशीज का उदाहरण है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। ये एग्जांपल आप हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पर ये हो गया टाइगर, जिसको बचाने के लिए हमने एक जो है प्रोजेक्ट चलाया, और ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमें इसे बचाने के लिए हमें जरूरी है कि हम खरगोश को भी बचाएं, हिरण को भी बचाएं और बाकी जीव जंतुओं को भी बचाएं। तो ये पूरा जो है एक अम्ब्रेला की तरह जो है आप इसका डायग्राम बनाकर समझा सकते हैं। तो इसलिए अम्ब्रेला स्पीशीज का मैंने उदाहरण दिया आपका टाइगर का। तो टाइगर आपका क्या है, एक अम्ब्रेला स्पीशीज जो जिसको बचाने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो उसके साथ साथ अन्य स्पीशीज का भी जो है प्रोटेक्शन या संरक्षण होता है। नेक्स्ट है इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर स्पीशीज मतलब अम्ब्रेला संकेतक प्रजाति। तो इंडिकेटर यानी कि वह प्रजाति जो किसी चीज का जो है इंडिकेट या संकेत करती है। किस चीज का इंडिकेट करती है, ये करती है कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है या नहीं, हमारा एनवायरनमेंट कितना चेंज हुआ है, और ये जो चेंज है कौन बताता है, एक प्रकार की स्पीशीज। तो एनवायरनमेंट चेंज को ऐसी स्पीशीज जो हमें एनवायरनमेंट चेंज होने का संकेत दे दे, इंडिकेट दे दे, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल लाइकन। लाइकन आपके एक प्रकार की जो है आप हिंदी में काई कह सकते हैं, जो कि एल्गी यानी जो काई है और फंगस कवक उनके एसोसिएशन से बनती है, और इनकी जो है आपकी जड़ें नहीं होती है लाइकन की। आपके अगर आप सूखे पेड़ होंगे कहीं भी आपको दिख सकती है लाइकन, इनकी आप जड़ें नहीं होती हैं, और इसलिए जो आपकी ये सीधा जो एयर अपने आसपास एयर से अपना जो फूड है वो लेती है।
लेकिन लाइकन सिर्फ आपको वही मिलेगी जहां आपका एयर पोल्यूशन नहीं होगा। तो कहीं अगर आपको लाइकन मिल जाए तो समझ जाइए कि वहां की जो एयर है बहुत फ्रेश है। तो इसलिए लाइकन क्या है, एक इंडिकेटर स्पीशीज का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि इसे हमें इंडिकेट करता है कि वहां एयर में कितना पोल्यूशन है कितना नहीं। अगर किसी जगह लाइकन मिल जाती है तो यानी कि वहां की जो एयर है बहुत फ्रेश है, बहुत प्योर है। इसी तरह अगर आप किसी वाटर बॉडी में देखें, तो वाटर बॉडी में आपने न्यूज में भी कई बार सुना होगा कि किसी तालाब में, लेक में जो एकदम से जो मछलियों के मरने की न्यूज आ जाती है। क्यों? क्योंकि पता लगता है कि मछलियां क्यों मरने लग जाती है, क्योंकि वहां का जो पानी है, वाटर बॉडी है, उसका जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होने लग गया। तो यहाँ पर मछलियां भी क्या है, आपकी फिशेज भी क्या है, एक तरह की इंडिकेटर है, इंडिकेटर स्पीशीज का यहाँ पर काम कर रही है कि आपका जो वाटर है अब पॉल्यूटेड हो चुका है। तो ये है आपकी इंडिकेटर स्पीशीज जो इन्वायरमेंटल चेंज के प्रति जो है आपको हेल्प करती है। उसके बाद है इनसे थोड़ा अलग इकोटोन। तो इकोटोन कोई प्रजाति नहीं है। तो इकोटोन क्या है, इकोटोन आपका कोई भी एक संक्रमणीय क्षेत्र है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, एक ग्रास इकोसिस्टम है जहां पर आपकी घास ही है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है घास उगी हुई है, और यहां पर है आपका फॉरेस्ट वन है, यहां पर आपके पेड़ ही पेड़ है, घने पेड़ है। लेकिन कोई तो ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर ये आपका जो ग्रासलैंड है और ये आपका फॉरेस्ट है, ये दोनों आपस में मिल रहे होंगे। तो ये जो संक्रमणीय क्षेत्र है, ये आपका जो एरिया है, ये आपका क्या कहलाता है, इकोटोन। तो इकोटोन क्या है, ये आपका ऐसा संक्रमणीय क्षेत्र है जहां दो इकोसिस्टम यानी जो दो पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं आपको देखने को मिलती है, उसे हम इकोटोन कहते हैं। और यहाँ ये जो एरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी होती है, जैव विविधता है, वो कई गुना ज्यादा होती है। तो ये था आज की इम्पोर्टेंट टर्म्स एनवायरमेंट में, और ये सारी टर्म्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिएगा। आई होप वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के बाद मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।